अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको लो फैट चिकन टिक्का बनाना सिखाएंगे विदाउट अवन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मुर्गियाँ ली थी, इसके मैंने 4 पीस करा लिए थे और चिकन के पीस को फिर हमने उसमें कट लगा लिया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, शान का तिक्का सीख पाव मसाला डाल रही हूँ 2 पैकेट, ये डाल के आपने किसी खुले बर्तन में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मुझे ये छोटा लग रहा है, मैं इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि आसानी से जो मसाला लग जाए सारा। जी तो ये देखें हमारा जो चिकन है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने कि जो सारा मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से लग जाए, कोई भी जो जगह है वो खाली ना रह जाए। बस आपने इसमें ये 2 चीज़ें मिलानी है, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला टिक्का मसाला। आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करके रख देंगे हम, इसको तकरीबन ओवरनाइट छोड़ देंगे या कम से कम 8 घंटे आप इसको छोड़ दें। जी तो हमारे जो चिकन है उसको 8 घंटे हो गए। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डाला है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें चिकन के पीस रख रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं, बस जितने आसानी से आ जाए। जी तो ये 4 पीस आ रहे थे आसानी से, तो मैंने 4 पीस डाल दिए हैं इसमें। अब आपने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून फिटा हुआ दही डालना है, बस, और फिर अब आपने इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है कवर करके। जी तो तकरीबन 15 मिनट हुए हैं और मैंने इसको हिलाया नहीं था। आप देखें कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। आपने परेशान नहीं होना कितना सारा पानी हो गया, इसी से आपकी जो चिकन है वो जूसी रहेगी और ये पानी खुश्क हो जाएगा। जी तो ये देखिए हमारे जो चिकन है वो तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।